एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच बनने के लिए प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है, वहीं सूबे की कई ग्राम पंचायतों में स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके चलते मतदाताओं ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ऐसा ही एक नजारा उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत काट बड़ौदा के ग्राम मालखेड़ा में देखने को मिला, जहां विकास नहीं तो वोट नहीं की आवाज बुलंद की गई। तराना में अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत काट बड़ौदा के ग्राम मालखेड़ा में नारकीय जिंदगी जी रहे ग्रामीणों ने पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत कर मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। हफ्तों बीत जाने के बाद भी गाँव की अब तक किसी ने सुध नहीं ली, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव कई हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, वहीं सड़क और स्कूल की लंबी समय से मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। दस से पंद्रह दिन हो गए क्या, कुछ भी समाधान अभी तक कुछ भी समाधान नहीं हुआ। अधिकारी जी आए थे तहसील से, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं, ना ही निराकरण हुआ है। आपकी क्या क्या प्रमुख समस्या है? हमारी समस्या है मेन रोड की नाली, सीसी रोड की नाली रुकी हुई पड़ी है, अंदर सीसी रोड खुदे हुए पड़े हैं, शमशान घाट में बहुत परेशानी, आज ही पानी गिर गया तो हमको थोड़ा सा, आज एक हमारे यहाँ पे डेट हो गई थी, उनको ले जाने में बहुत बड़ी परेशानी आई है, और आप देख सकते हैं वहाँ पर स्थिति जाकर के आज की स्थिति कैसी है। एक नल जल योजना की बहुत बड़ी समस्या है, पानी डब्बे से ले लेकर आना पड़ता है और समस्या ज़्यादा है। जंगल के रास्ते की समस्या बहुत रुकी हुई पड़ी है, और एक गांव में टैंकर की सुविधा हमको बहुत ज़रूरी चाहिए। यह कार्यक्रम अगर आने लग गया तो फिर दूसरी पंचायत से हमको टैंकर लेके आना पड़ेगा, किराया ऐसे लाना पड़ता है। और हमारी पंचायत का जो भी उचित मूल्य की दुकान है, यहाँ से गरीब लोगों को काट बड़ौदा जाना पड़ता है, वो भी जल्दी से जल्दी अगर मालखेड़ा में दुकान हो जाए तो मजदूरों को मजदूरी छोड़कर काट बड़ौदा नहीं जाना पड़ेगा, यही व्यवस्था यहाँ हमारे गाँव में होनी चाहिए। मजरा खेड़ा से मालखेड़ा तक का एक डामरीकरण रुका हुआ पड़ा है, वो भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। गाँव में एक नदी हुई है, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे एक ही है, जलने पर बड़ी समस्या आ रही है, ये ट्रांसफार्मर कम से कम 3 ट्रांसफर होना चाहिए। हमने SDM मैडम को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन वहाँ से बोला गया था कि कलेक्टर महोदय तक आपके गांव की शिकायत पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हमारे गाँव वालों का कहना है कि जब तक भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम ना ही जनपद में मतदान करेंगे, ना ही जिला से मतदान करेंगे, और ना ही ग्राम पंचायत का सरपंच में मतदान करेंगे। सर, आपने ये आंदोलन किया है, अभी तक कौन कौन से राजनेता है या जो चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन आपके पास? अभी तक हमारे पास कोई भी नेता, ना ही कांग्रेस पार्टी से कोई नेता आया, ना ही बीजेपी पार्टी से कोई नेता आया है। मैं बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं बोल रहा हूँ। वहीं ग्राम मालखेड़ा में पंचायत चुनाव के बहिष्कार की जानकारी मिलने पर सांसद अनिल फिरोजिया ने मतदाताओं की मांगों को जायजा ठहराया और जल्द ही ग्रामीणों से मिलने की बात कही है। लोगों की जो वहाँ पे पाइप वाइप है, जिसके कारण उनको दिक्कतें आ रही है, और उन्होंने मेरे से मांग रखी थी और मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मैं उसको करवा दूंगा। उनकी जो मांग है उसमें मैंने इनसे भी बात करी है, वास्तव में सही बात है, वो जिनाइन समस्या है कि अगर पानी बारिश हो जाएगी तो उनको बहुत समस्या आने वाली है। बिल्कुल सही है, तो मैंने कल उनको बोला है वो करा देंगे, और उनकी छोटी मोटी और भी समस्या है, उसको पहले भी उनकी एक समस्या थी जो स्वतंत्रता के बाद वो पुलिया निर्माण की बात कर रहे थे जी। वो कोई भी नहीं कर पाया, जब मैंने उनको वचन दिया था तो वो मैंने पुलिया निर्माण कर दी है, मैंने जो जो वचन दिए वो सब निभाए हैं, और अभी भी मैंने उनको बोला है कि आप चिंता ना करें, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार है मतदान करने का, जो दिया है अधिकार, वो सबसे बड़ा अधिकार है, उसका उपयोग करना चाहिए, और वो लोग मान भी गए। फिलहाल देखना होगा कि सांसद अनिल फिरोजिया नाराज ग्रामीणों को मनाने में सफल होते हैं या नहीं। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।